थाना क्षेत्र में रविवार 2 अप्रैल को गुलमोहर नगर में अचेता अवस्था में मिले किशोर को मेडिकल अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक चंदन कन्हैया लहरे 17 साल का है। चंदन को गला घोटकर मारने की आशंका जताई जा रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। जानकारी के मुताबिक रविवार को मृतक चंदन कन्हैया लहरे कलमना में बेहोशी की हालत में पड़ा था। परिजनों ने इसकी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत चंदन को मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक जांच में उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बस्ती में चर्चा है कि उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो सकेगा। जैसे हम लोग सुबह सोते, भैया वो मामा है ना, उसने पहले देखा उसको यहाँ पे, फिर उसके बाप को बताने गए तो बताए, फिर वो भाई मेरे को बोले, मामा ने भांजी बोले यहाँ चंदन का लाश पड़ा हुआ, बोले उठ बोले। फिर हम लोग आए उसको देखे, फिर पुलिस वाले को फोन लगाई मैंने। फोन लगाने के बाद में 10-15 मिनट के बाद पुलिस वाले आए, फिर पूछताछ किए। बेचारे लोगों ने सवेरे से घूमे, कलमना वाले ने पूरे पूछ रहे पाछ रहे पूरे मतलब घूमे इन लोगों ने, अभी तक पुलिस वाले आए थे। वो तुम्हारी बात ऐसा है संतोष ही बताना झगड़ा के। क्या नाम है आपका? ममता भारती। आप यहाँ का एड्रेस क्या है? गुलमोहर नगर, लड़के का 17 साल का नाम चंदन कुरे घिलारे। क्या नाम बताए? चंदन लहरे। लहरे क्या घटना थी, क्या बताना? जैसे उसके आग के पास जैसा किसी ने मारा रहे ऐसा था यहाँ पे, और गले में जैसा किसी ने फांसी लगाते उसके रस्सी का चिन्ह भी था उसमें। ममता भारती मैं उसके मतलब ऐसी माना हुआ है मामा लगता, यानी बचपन से मेरे सामने छोटा से बड़ा हुआ वो लड़का, और आधा स्वभाव में भी बहुत अच्छा था वो, ना किसी से कोई लड़की को छेड़ना, ना किसी को गालियां देना, ना कुछ करना, वैसा भी नहीं था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज़ नागपुर।